जुरुदेव मालथौन जिला सागर मध्य प्रदेश से सौम्या जैन पूछ रही हैं। गुरुदेव, आज के प्रवचन में आपने आश्रव भावना में बताया कि सुख के दिन निकल जाते हैं, दुख के दिन काटे जाते हैं। गुरुदेव, दुख के दिन को सुख के दिन में कैसे चेंज करें कि दुख को सहने की शक्ति आ जाए? आज का प्रवचन ही कल का प्रवचन, आज तो प्रवचन विशेष हुआ ही नहीं। आपने पूछा है, मैंने जो कहा पूछा है कि दुख के दिन सुख के दिन में कैसे बदले, बड़ा आसान सा तरीका है। कितना भी दुख हो उसको सहज रूप से स्वीकारना शुरू कर दो, दुख ही सुख में परिवर्तित हो जाएगा। दुख हमें तभी तक दुख दिखता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। प्रचंड धूप है, 2 मिनट भी खड़े रहने में शरीर झुलसता है, लेकिन इसी 44, 45, 47 के टेम्परेचर में कोई क्रिकेटर क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी करता है 6-6 घंटे तक, और दर्शक धूप में झुलसते हुए मैच को देखते हैं, क्या धूप की झुलसन महसूस होती है? क्यों नहीं? वही व्यक्ति जिसे कहा जाए थोड़ी देर के लिए धूप में रहने को, तो उसे दुखकारी लग रहा है, और वही व्यक्ति घंटों धूप में खेल रहा, आनंद ले रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है। क्यों? यहाँ कष्ट को स्वीकारा है इसलिए वो सुखकर हो गया, वहाँ हमने स्वीकारा नहीं इसलिए दुखकर है। तो बहुत बड़ा मंत्र है ये, कैसा भी दुख आए उसे स्वीकार लो, दुख भी तुम्हें सुख देने लगेगा।